देखो, हम लोगों को एक क्वेश्चन करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 की पावर 1 बाई 2 माइनस 15 x प्लस 2 की पावर 1 बाई 5 होल डिवाइड बाई 7 x प्लस 2 की पावर 1 बाई 4 माइनस x, है ना। देखो ये क्वेश्चन हमें करना है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमें बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना है, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान दो, बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए देखो यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखो जैसे क्या होगा, x को 2 लेंगे तो देखो यहाँ पर ये बनेगा 4 की पावर 1 बाई 2 मतलब 2 माइनस x को 2 लेंगे, है ना, तो 30 प्लस 2 32 की पावर 1 बाई 5 मतलब 2, देखो 2 माइनस 2 0, है ना। 2 लेंगे देखो 14 प्लस 2 मतलब 16 की पावर 1 बाई 4 2 माइनस 2, है ना। देखो जैसे ही यहाँ पर हम x को 2 लेंगे देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म यहाँ पर बन रही है, है ना। अब देखो 0 बाई 0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम एक तो लॉपिटल रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन लॉपिटल रूल कई बार टफ हो जाता है, लॉपिटल रूल से कई बार क्वेश्चन टफ हो जाता है, है ना, क्योंकि लॉपिटल रूल से हर सवाल निकल जाएगा ऐसा नहीं कह सकते, है ना। लॉपिटल रूल से कई सारे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, है ना, जहां पर फ्रैक्शन पावर होती है खासतौर पर। देखो पिछले भी हमने जो भी सवाल किए इससे पहले भी, उसमें देखो किसी में भी हमने लॉपिटल रूल इतनी आसानी से नहीं लगाया था। देखो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक काम, देखो सबसे पहले ये करें कि जैसे देखो यहाँ पर x tending to 2 है, 2 को कॉमन ले लें तो 1 plus x by 2 की पावर 1 by 2, देखो यहाँ से भी हम 2 को कॉमन ले लेंगे, है ना। एक बार ध्यान दो, 2 को कॉमन लेंगे देखो तो 2 की पावर 1 by 2 बाहर आएगा, ध्यान दो, ठीक। यहाँ भी देखो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 1 by 5 बाहर आएगा, तो बचेगा 1 प्लस 15 एक्स बाई 2 की पावर 1 बाई 5, ठीक है, है ना। अच्छा अब देखो इसके बाद यहां पर ध्यान दो, नीचे से भी 2 को कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 1 बाई 4 बाहर आएगा, तो बचेगा 1 प्लस 7 एक्स बाई 2 की पावर 1 बाई 4 माइनस एक्स। देखो ऐसा हमने किया। अब हम लोग सबको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे x टेंडिंग टू 2 है, देखो कभी कभी क्या होता है कि लिमिट को 0 में चेंज कर लेने से भी सवाल हो जाते हैं। जैसे एक तरीका तो ये कि डायरेक्ट बाइनोमियल थ्योरम लगाया जाए, एक तरीका देखो ये है कि लिमिट को हम 0 में अगर कन्वर्ट करें तब भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। लिमिट को 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जैसे x टेंडिंग टू 2 है तो x को 2 प्लस y मान लिए है, देखो यही काम करते हैं, लिमिट को 0 में कन्वर्ट करते हैं, उससे क्वेश्चन और इजी होगा, है ना। इसमें थोड़ा फिर भी टफ हो जाएगा। देखो लिमिट को 0 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो, x को मान लेंगे 2 प्लस y, ठीक। अब देखो जैसे x टेंडिंग टू 2 है तो 2 प्लस y टेंडिंग टू 2 तो y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ध्यान दो। अब देखो जैसे यहां पर ये क्या हो गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x को रखा 2 प्लस y, देखो ये 4 प्लस y की पावर 1 बाई 2 माइनस, देखो x को रखा 2 प्लस y तो क्या हुआ, देखो 30, है ना, x को रखेंगे 2 प्लस y तो 30 प्लस 15 y, देखो ये हो जाएगा 32 प्लस का 15 y की पावर 1 बाई 5 होल डिवाइड बाई, देखो यहां भी x को 2 प्लस y रखेंगे तो क्या होगा, देखो रखो x को 2 प्लस y रखो तो क्या होगा, देखो 14 प्लस 7 y, 14 प्लस 2 तो क्या होगा, देखो 16 प्लस 7 y की पावर 1 by 4 और x को रखेंगे देखो यहाँ पर 2 प्लस y, ऐसा होगा, है ना। अब देखो एक बड़ा फायदा ये होगा कि हर जगह से, देखो जैसे हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर से 4 को कॉमन ले लेंगे, है ना, देखो न्यूमरेटर से 4 को कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस y by 4 की पावर 1 by 2, देखो यहाँ पर 32 को कॉमन लेंगे तो बाहर पावर 1 by 5 है तब भी 2 आएगा, कॉमन 32 लेंगे लेकिन पावर 1 by 5 है, इसलिए क्या होगा 32 की पावर 1 by 5 मतलब 2 की पावर 5 1 by 5 मतलब देखो 2 आ जाएगा, देखो 2 बाहर आ गया, तो 1 प्लस 15 y by 32 की पावर 1 by 5 हो गया, ठीक। देखो होल डिवाइड बाई क्या होगा, यहां पर देखो 16 कॉमन लेंगे तो पावर 1 by 4 है, देखो 2 बाहर आ जाएगा,
तो क्या होगा 1 + 7y / 16 की पावर 1/4। यहां भी देखो 2 कॉमन लेंगे तो 1 + y / 2 आ जाएगा, ध्यान दो है ना। देखो जैसे यहां से 4 कॉमन लिया पावर 1/2 है तो 2 बार आया, यहां 32 कॉमन लिया पावर 1/5 है तो 2 बार आया, यहां 16 कॉमन लिया पावर 1/4 2 बार आया। ठीक है देखो अब 2 कॉमन लेके हर जगह से कैंसिल कर दो है ना। देखो ऊपर नीचे अब 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर हम ऊपर नीचे देखो 2 से डिवाइड कर देंगे 2 कॉमन ले कैंसिल बन जाएगा। देखो ये हो जाएगा y टेंडिंग टू 0 1 + y/4 की पावर 1/2। देखो 1 + 15y/32 की पावर 1/5। देखो यहां पर भी 1 + 7y/16 की पावर 1/4 और देखो 2 कॉमन लिया तो 1 + y/2 ऐसे आ गया। देखो है ना 2 को देखो हर जगह कॉमन लेके काट दिया। ठीक अब देखो अगर हम बायनोमियल थ्योरम लगाएं तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। देखो इसे क्या होगा y टेंडिंग टू 0 1 + x की पावर n क्या होगा बोलो 1 + nx प्लस क्या होगा n n-1 2 × x² 16। ठीक बस दो टर्म तक एक्सपेंड किया आगे नहीं किया। देखो क्या होगा 1 + nx ठीक है nx प्लस n n-1 अपॉन 2 × x² करो तो 15y/32 का होल स्क्वायर। ठीक होल डिवाइड बाय देखो क्या होगा देखो ध्यान दो यहां पर 1 + nx ठीक है प्लस n n-1/2 होल स्क्वायर 7y/16 का होल स्क्वायर माइनस ये देखो 1 + y/2 इसमें एक्सपेंशन करना ही नहीं है, है ना सिंपल पावर है। देखो ये 1 से 1 कैंसिल होगा, यहां भी देखो 1 से 1 कैंसिल होगा। अब देखो y कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो है ना, y को कॉमन लेके ऊपर नीचे से कैंसिल कर दो। देखो y कॉमन लोगे तो ये 1/8 बचेगा, ये जो भी बचेगा इसमें y आएगा। ठीक यहां भी देखो y कॉमन लोगे तो क्या बचेगा देखो माइनस का 3/32 क्योंकि 15 से काटोगे 3 होगा 3/32 y कॉमन चला गया, इसमें भी देखो y आएगा। ठीक यहां भी देखो जब y कॉमन लेके डिवाइड करोगे ये क्या आएगा देखो 7/64 ठीक है इसमें y रहेगा है ना 7/64। देखो ये भी y का टर्म होगा और इसमें भी देखो y कॉमन लिया तो माइनस का 1/2 ऐसे आएगा है ना। ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। ठीक है पहले हमने बायनोमियल से एक्सपेंड किया 3-3 टर्म तक किया बस ऊपर भी नीचे भी, और उसके बाद देखो हमने क्या किया y से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है ना, y ऊपर से कॉमन लिया y नीचे से कॉमन डिवाइड कर दिया। देखो अब y को 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा देखो 1/8 - 3/32 होल डिवाइड बाई 7/64 - 1/2 ऐसा बचेगा। ठीक बोलो अब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, देखो इसको क्या होगा देखो ऊपर एलसीएम लो, एलसीएम लो क्या होगा 64 होगा एलसीएम 8 - 2 × 3 क्या होगा 6, नीचे भी देखो 64 क्या होगा देखो 7 - 32 64 कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर क्या बचा 2 upon -25 देखो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर 2y - 25 है ना, तो 2y - 25 क्वेश्चन का आंसर आ गया फाइनली। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन इजी है, एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। पहले क्या किया देखो लिमिट को 0 में कन्वर्ट किया, लिमिट को 0 में बिना कन्वर्ट किए करेंगे क्वेश्चन टफ हो जाएगा, लेकिन लिमिट को 0 में कन्वर्ट किया 2 कॉमन लेके हर जगह से डिवाइड कर दिया है ना, 2 कॉमन लेके हर जगह से देखो डिवाइड कर दिया। अब 2 भी कॉमन कैसे लिया, यहां से 4 कॉमन आया तो बाहर 2 आएगा,
यहाँ 32 कॉमन आया तो बाहर 2 आएगा, यहाँ 16 आया तो बाहर 2 आएगा, यहाँ 2 आएंगे तो बाहर 2 आएगा, ठीक। उसके बाद फिर हमने देखो बायनॉमियल एक्सपेंशन किया, तीन तीन टर्म तक एक्सपेंड किया, फिर y कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया बोलो, लास्ट में आंसर क्या आ गया, -2/25। क्या आंसर आ गया बोलो, -2/25। देखो सब बच्चे ध्यान से, थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चन की करने की हैबिट हमारी होनी चाहिए, ठीक है।